मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रिजल्ट आपका क्यों नहीं निकल रहा है, और उसके बाद में मेरे पास बहुत सी कमेंट आई, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दूसरी वीडियो बना के देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपना CBSE का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मेरे बहुत से भाइयों का, दोस्तों का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में क्या है, वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, और ख़ासतौर पर डिस्प्ले में आपको कमेंट दिख रही होंगी, ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं दूसरी वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए, एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं एंड में बताता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है। तो आपको सबसे पहले इस पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली अपना एक आधार कार्ड चाहिए। ध्यान रहे, आपको आधार कार्ड जो है आपका, उसमें आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा और OTP आपको इसमें सबमिट करना पड़ेगा। बस आपको इतना ही काम है, अपने आधार कार्ड से सिंपली इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। अभी हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट अकाउंट और लॉगिन का। तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, और जिस तरीके से मैंने बताया था, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा आपका, और उसके बाद में फिर आपको OTP डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर देखना है CBSE। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी मिल गया है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अगर 10th का अपना रिजल्ट देखना है तो 10th पर क्लिक करेंगे, 10th मार्कशीट। अगर आपको 12th का देखना है तो 12th पर करेंगे क्लिक, 12th मार्कशीट। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12th मार्कशीट लिखा हुआ है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, और क्लिक होने के बाद में हमें यहाँ पर सिंपली अपनी ईयर और अपना रोल नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड नेम उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है, जैसे कि मोंटी ले रखा है इसमें। अब आपको यहाँ पर अपनी ईयर डालनी है, तो आपको इस साल का निकालना है, तो आपको 2020 डालना होगा, मतलब सन 2020 डालने के बाद में आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर होता है, जैसे कि 1465, मैं आपको पूरा नहीं बताऊँगा, उसको डाल देना है। डालने के बाद में आपको यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और आपको क्लिक होने के बाद में कुछ टाइम का वेट करना है। तो यहाँ पर वेट कर लीजिएगा थोड़ा। अब आपको क्लास 12th मार्कशीट पर क्लिक करना है, और आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आपकी मार्कशीट पास में होगी। आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाता है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं डाउनलोड PDF, इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आपके सामने बिल्कुल वीडियो दिखाया है, एकदम लाइव करके दिखाया है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त लोग बहुत परेशान हो रहे थे और उनका कमेंट देख के मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया। इस तरीके से आप जल्दी से कर लीजिए। अभी हम आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर DigiLocker सर्च करना है। DigiLocker सर्च करेंगे, देख सकते हैं आपको ये एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट अप्रूव है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोडर है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके ज़रिए आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऐसी नई नई वीडियो लेने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।